स्वागत है आपका एचएज एडुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग मार्केटिंग के 7 P's को पढ़ेंगे, या यूं कहें इस वीडियो में हम लोग 7 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे। 7 P's ऑफ मार्केटिंग को मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का सेट होता है। यह ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जेरोम मैकार्थी ने अपने बुक बेसिक मार्केटिंग अ मैनेजरियल अप्रोच में 7 P's ऑफ मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। 7 P's ऑफ मार्केटिंग उन की एलिमेंट्स को दिखाता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग प्लान बनाते समय, मार्केटिंग कैंपेन चलाते समय कंसीडर करना होता है। यह 7 P होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। इन सब एलिमेंट्स पर ध्यान देकर और इन सब एलिमेंट्स को कंसीडर करके ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाती है और अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग स्टैब्लिश कर पाती है, साथ ही साथ मार्केट में सक्सेस अचीव कर पाती है। तो यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वह सारे एलिमेंट्स को अच्छी तरह से एनालाइज करे, जिससे उन्हें अपने टारगेट मार्केट, कस्टमर्स, अपनी क्षमताएं और कमियों को समझने में आसानी हो। मार्केटिंग के 7 P's पर डिस्कशन करने से पहले चलिए थोड़ा मार्केटिंग मिक्स के बारे में जानते हैं। पहले के समय में ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाया करते थे और कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम किया करते थे, पर अब ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स को सेंटर में रखकर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होने के लिए अलग अलग पॉलिसीज अपनाती है, उनमें से एक अप्रोच है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स उन एक्शंस या एक्टिविटीज को दिखाता है जिसका उपयोग ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट करने के लिए करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केटिंग के 7 P's को अलग अलग कर डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन का ऑफरिंग होता है। प्रोडक्ट वह आइटम होता है जो कंज्यूमर को, कस्टमर को बेचा जाता है और जो कंज्यूमर के, कस्टमर के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। प्रोडक्ट टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार्स एटसेट्रा। प्रोडक्ट इनटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के सर्विसेज, कैब सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज आदि। कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अलावा प्रोडक्ट को डेवलप करते समय, प्रोडक्ट को बनाते समय प्रेजेंट मार्केट का कंडीशन, कॉम्पिटिटर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का क्वालिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रेजेंट मार्केटिंग ट्रेंड आदि को भी कंसीडर किया जाता है। असल में प्रोडक्ट का काम होता है कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगला एलिमेंट है प्राइस। मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्राइस का इम्पोर्टेंस इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि प्राइस प्रोडक्ट का सेल्स को भी प्रभावित कर सकता है। प्रोडक्ट खरीदने के समय कंज्यूमर जो अमाउंट पे करता है वही प्राइस होता है। ऑर्गेनाइजेशन को प्राइस इस तरह से सेट करना चाहिए जिससे प्रोडक्ट को बनाने में लगा कॉस्ट रिकवर तो हो जाए, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रॉफिट भी कमा ले। और इतना ही नहीं, कंज्यूमर के लिए भी प्राइस अफोर्डेबल हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि सही से सेट किया गया प्राइस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिशन में बने रहने में हेल्प करता है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट को सेल करने में, प्रोडक्ट को बेचने में काफी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत से लोगों के परचेसिंग पावर के बाहर हो जाएगा। मतलब ज्यादा प्राइस होने की वजह से कई लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएगी और प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। अच्छा, कुछ सिचुएशन में प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी फिक्स होता है, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन होगा तो प्राइस में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अगला एलिमेंट है प्लेस। प्लेस वह स्पेस को दिखाता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को बेचती है। प्लेस एक ट्रेडिशनल मार्केट भी हो सकता है और ऑनलाइन मार्केट भी। प्लेस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है और प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक, कस्टमर्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन को अपना टारगेट मार्केट को समझना होगा। प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट चैनल्स को चुन सकती है, मतलब
ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक कस्टमर्स तक पहुंचा सकती है, वहीं दूसरी ओर इनडायरेक्ट चैनल के माध्यम से भी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मिडिलमैन और इंटरमीडियरीज के माध्यम से भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक कस्टमर्स तक पहुंचा सकती है। प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाने में कई सारे लोग या इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं जिन्हें मिडिलमैन कहते हैं, और यह मिडिलमैन प्लेस का पार्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर प्लेस का चुनाव करना चाहिए। जैसे अगर लग्जरी प्रोडक्ट है, जैसे महंगी कार, महंगे क्लोथ्स, महंगे इक्विपमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट को ऐसे प्लेस में अवेलेबल कराना चाहिए जहां पर हाई इनकम वाले कंज्यूमर अवेलेबल हो। वहीं दूसरी ओर नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए ऐसे प्लेस में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना चाहिए जहां पर नॉर्मल अर्निंग वाले कंज्यूमर्स अवेलेबल होते हों। अगला एलिमेंट है प्रमोशन। प्रमोशन उन सब एक्टिविटीज को कहेंगे जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, मेरिट्स आदि के बारे में कंज्यूमर्स को बताती है, कस्टमर्स को अवेयर करती है। प्रोडक्ट का प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी प्रमोशन परफॉर्म किया जा सकता है। प्रमोशन का उद्देश्य होता है कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक पहुंचना और प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर्स का अटेंशन गेन करना। प्रमोशन वर्ड ऑफ माउथ से भी होता है, मतलब सेटिस्फाइड कस्टमर्स बाकी लोगों को प्रोडक्ट की खूबी के बारे में बताता है जिससे प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। अगला पीपल। पीपल उन इम्प्लॉयज या कस्टमर्स को दिखाता है जो मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कितना सक्सेसफुल होगा यह इम्प्लॉय के स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, प्रोडक्ट को डिलीवर करने का तरीका, कंज्यूमर से, कस्टमर से इंटरेक्ट करने के तरीकों पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वह इम्प्लॉयज को आवश्यक ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि इम्प्लॉयज का स्किल और मोटिवेशन लेवल दोनों बढ़े और वे कस्टमर को, कंज्यूमर को एक्सेलेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन को बिल्ड कर सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, प्रेफरेंसेस को समझना चाहिए और उसी अनुसार प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बनाना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए और कोशिश यह करना चाहिए कि कस्टमर्स के फीडबैक को इकट्ठा किया जाए और उसी अनुसार जरूरी बदलाव लाया जाए। अगला प्रोसेस। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिलीवर करने में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। कस्टमर से कॉन्टैक्ट करने से लेकर कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस बेचने तक सारा एक्टिविटीज प्रोसेस में आता है। यहाँ तक कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोसेस में ही आता है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वह प्रोसेस को एफिशिएंटली डिजाइन करे ताकि कस्टमर्स को लगातार क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर किया जा सके। अगला एलिमेंट है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस उन एलिमेंट्स को दिखाता है जिससे ब्रांड का एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है या परचेज के बारे में पता चलता है। जैसे एक फिजिकल स्टोर हुआ, एक ऑफिस हुआ, अगर ब्रांड ऑनलाइन काम कर रहा है तो फिर ब्रांड का वेबसाइट हुआ, फिजिकल और डिजिटल रिसिप्ट हुआ, इनवॉइस हुआ आदि। फिजिकल एविडेंस में फिजिकल एनवायरमेंट, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, पैकेजिंग और बाकी टेंजिबल एलिमेंट्स आता है जो कस्टमर के परसेप्शन और एक्सपीरियंसेस को प्रभावित कर सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वह फिजिकल एविडेंस को केयरफुली डिजाइन करे और प्रॉपरली मैनेज करे ताकि कस्टमर्स के मन में ब्रांड को लेकर पॉजिटिव इमेज बने। फिजिकल एविडेंस की सहायता से ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के मन में ट्रस्ट बिल्ड कर सकती है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकती है और अपने लिए लॉयल कस्टमर्स बिल्ड कर सकती है।